भूतले श्रीमते कीर्तनानंद स्वामी नमस्ते सरस्वती देवं नमस्ते भक्तिपदाय प्रभुपाद प्रियाय ते लीलाक्षेत्रम परम धाम स्थापितम एनु पश्चिमी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। जय गोपाल। आइए मेरे प्रिय भाइयों बंधुओं श्रीमद् भागवत गीता के प्रेमी जनों, आपके सामने हिंदी की भागवत गीता जो हिंदी में मैंने ट्रांसलेशन किया है उसका 10वां अध्याय आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। 10वां सोपान जिसको नाम दिया है, सांख्य अंक कह के बोला है इसको। सांख्य अंक यानी आँख, आई ऑफ द नॉलेज, सांख्य अंक। तो आप इसका आनंद लीजिए और जो भी कुछ भगवान की भक्ति आपके हृदय में भरे उसका पूरा पूरा आनंद लीजिए। तो आइए हम प्रारंभ करें। जब तक आप हाँ नहीं कह देंगे हम कैसे भाई प्रारंभ करें। क्यों जी बोलिए। हाँ जी करते हैं। इधर खंजरी हमारे भगवान दशम सोपान। भगवान बोले, भगवान तू है मेरा परम प्रिय, सो परम ज्ञान में देता हूँ तेरे हित की बात अर्जुन, तेरे हित में कहता हूँ। देव महर्षि गण का आदि अंत मुझको जानिए, ब्रह्मा शिव ना पार पाती ये भी अर्जुन मान। जो जानी मुझे अजम अनादि, सर्वलोक परमात्मा, सर्व पाप जल जाते उसके बन जाता धर्मात्मा। अनासक्ति बुद्धि ज्ञानी, अनासक्ति बुद्धि ज्ञान ताता मुझको मानिए, अभयता अहिंसा स्रोत अर्जुन मुझको जानिए। क्षमा समता भय तक भी मैं प्राणी में उपजाता हूँ, क्षमा दमा शक्ति देता हूँ, सत्यता बरसाता हूँ। सुख दुख तुष्टि दान तप और यश अपयश का स्रोत हूँ, मैं ही सबका जीवन दाता, मैं ही सबकी मौत हूँ। अलग अलग भावों में सारे प्राणियाँ अलग 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 भाव सारे प्राणियों में भासते, मेरी सब खैरात जाति अलग अलग है रात के। सप्त महर्षि मनु महाजन फैले हैं संसार में, जग फैलाने शक्ति दी है मैंने चतुर कुमार में। तत्व ज्ञानी जानता है मेरे वैभव जाल को, तत्व ज्ञानी हल करता है अर्जुन हर सवाल को। तत्व ज्ञानी हल करता है अर्जुन हर सवाल को। मूल बीज दुनिया का हूँ मैं, दुनिया मुझ में पलती है ऐसा जान अर्जुन मेरा, पंखा पवन ढलती है।
जिनके मन में मोहन प्यारा उनको भक्ति देता हूँ, प्रेम पूर्ण भक्ति करते हैं बाहों में भर लेता हूँ, बुद्धि योग सिद्धि देकर उनको मैं पुजवाता हूँ, मेरे प्यारे भक्तों के हर घर में पूजा जाता हूँ, ज्ञान दीप जला उनका अंधेरा विनाशता, जो ना मेरा भक्त उससे मेरा क्या है वास्ता, जो ना मेरा भक्त उससे मेरा क्या है वास्ता। तो ये दसम अध्याय है, आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं, दोबारा से इसको फिर ध्यान में उतारिए। भगवान कह रहे हैं, तू है मेरा परम प्रिय सो मन, तू है मेरा परम प्रिय सो परम ज्ञान में देता हूँ, तेरे हित की बात अर्जुन तेरे हित में कहता हूँ, देव महर्षि गण का आदि अंत मुझको जानिए, ब्रह्मा शिव ना पार पाते ये भी अर्जुन मानिए, जो जाने मुझे अजम अनादि सर्वलोक परमात्मा, सर्व पाप जल जाते उसके बन जाता धर्मात्मा, सर्व पाप जल जाते उसके बन जाता धर्मात्मा। भगवान बोले, तू है मेरा परम प्रिय सो परम ज्ञान में देता हूँ, तेरे हित की बात अर्जुन तेरे हित में कहता हूँ, देव महर्षि गण का आदि अंत मुझको जानिए, ब्रह्मा शिव ना पार पाते ये भी अर्जुन मानिए, जो जाने मुझे अजन अनादि सर्वलोक परमात्मा, सर्व पाप जल जाते उसके बन जाता धर्मात्मा, सर्व पाप जल जाते उसके बन जाता धर्मात्मा, अन आसक्ति बुद्धि ज्ञान दाता मुझको मानिए, अभयता अहिंसा स्रोत अर्जुन मुझको जानिए, क्षमा समता भय तक भी मैं प्राणी में उपजाता हूँ, क्षमा दमा शक्ति देता सत्ता बरसाता हूँ, सुख दुख तुष्टि दान तप और यश अपयश का स्रोत हूँ, मैं ही सबका जीवन दाता मैं ही सबकी मौत हूँ, मैं ही सबका जीवन दाता मैं ही सबकी मौत हूँ, अलग अलग हैं भाव सारे प्राणियों में भासते, मेरी सब खैरात जानो अलग अलग हैं रास्ते, सप्त महर्षि मनु महाजन फैले हैं संसार में, जग फैलाने शक्ति दी है मैंने चतुर कुमार में, तत्व ज्ञानी जानता है मेरे वैभव जाल को, तत्व ज्ञानी हल करता है अर्जुन हर सवाल को, तत्व ज्ञानी हल करता है अर्जुन हर सवाल को, मूल बीज दुनिया का हूँ मैं दुनिया मुझ में पलती है, ऐसा जान अर्जुन मेरा पंखा पवन ढलती है, जिनके मन में मोहन प्यारा उनको भक्ति देता हूँ, प्रेम पूर्ण भक्ति करते बाहों में भर लेता हूँ, बुद्धि योग सिद्धि देकर उनको मैं पुजवाता हूँ, मेरे प्यारे भक्तों के हर घर में पूजा जाता हूँ, ज्ञान दीप जला उनका अंधेरा विनाशता, जो ना मेरा भक्त उनसे मेरा क्या है वास्ता, जो ना मेरे भक्त उनसे मेरा क्या है वास्ता। अर्जुन बोले, अर्जुन बोला, हे माधव तुमको मानता भगवान हूँ, अर्जुन बोला, माधव तुमको मानता भगवान हूँ, केशव तुम पवित्र धाम मैं छोटी सी जान हूँ, केशव तुम पवित्र धाम मैं छोटी सी जान हूँ, आदि अविनाशी हो तुम जाके पसार हो, दिव्य देव अजन्मा पसार के उस पार हो, सारे संत ऋषि मुनि नारद व्यास बोलते
विवल सुखदेव असित भेद यही खोलते। अभी अभी आपने स्वयं का भेद भेद खोला है, मेरी बुद्धि ने भी आपको परम तोला है, मेरी बुद्धि ने भी आपको ही परम तोला है। जितना भी उपदेश किया सत सारा मानता, आप व्यक्ति नहीं देव दानव तक नहीं जानता, आप व्यक्ति नहीं देव दानव तक नहीं जानता, आप व्यक्ति नहीं देव दानव तक नहीं जानता, आप व्यक्ति नहीं देव दानव तक नहीं जानता। मूल बीज भूतों के और ब्रह्मा के भी ईश हो, मूल बीज भूतों के और ब्रह्मा के भी ईश हो, देवों के भी देव हो केशव तुम जगदीश हो। हे पुरुषोत्तम आप अपने आप को पहचानते, देव दानव भूत प्राणी आपको नहीं जानते। दिव्य वैभव जानने की हृदय में अभिलाषा है, इच्छा पूर्ण कर दो मेरी बुझा दो ये प्यास है। दिव्य वैभव जानने की हृदय में अभिलाष है, इच्छा पूर्ण कर दो मेरी बुझा दो ये प्यास है। कौन सी वह विद्या कैसे चिंतन में, हाँ कौन सी वह विद्या जो कैसे चिंतन करूं आपका, किन किन भावों का चिंतन कर सिमरन करूं आपका। सुनने को है कान आतुर सुना दो जनार्दन, सुनाते ही जाओ तृप्ति होती ना जनार्दन, सुनाते ही जाओ तृप्ति होती ना जनार्दन। अर्जुन तुम भगवान बोले, अर्जुन तुमको आज अपना ऐश्वर्य बोलूंगा, वैभव अनंत पर प्रधान भेद खोलूंगा, मेरा चिंतन करने का एक राज तुमको देता हूँ। मेरा चिंतन करने का एक राज तुमको देता हूँ, मेरा चिंतन करने का एक राज तुमको देता हूँ। ध्यान देकर सुनना अपना ऐश्वर्य कहता हूँ, सर्वभूत प्राणियों के हृदय का हूँ आत्मा, मैं हूँ सबका आदि अंत सबका कर्ता खात्मा। सर्वभूत प्राणियों के हृदय का हूँ आत्मा, मैं हूँ सबका आदि अंत सबका कर्ता खात्मा। अदिति का बेटा विष्णु ज्योतियों में भास्कर, पवनों में मारीचि हूँ मैं, ग्यारह रुद्रों में शिव शंकर, ज्ञानियों में उष्णा कवि नक्षत्रों में चंद्रमा, वेदन में हूँ सामवेद देवी देवियों में उमा रमा, प्राणियों में चेतना हूँ इंद्रियों में राजा मन, प्राणियों में चेतना हूँ इंद्रियों में राजा मन, देव में हूँ इंद्र देव धनों में कुबेर धन, भक्तन में सुदामा भक्ति देवियों में राधा जन, जल झीलों में सागर हूँ मैं सरिताओं में गंगा मन। अरे जल भक्तन में सुदामा भक्ति देवियों में राधा जान, जल झीलों में सागर हूँ मैं सरिताओं में गंगा मान, शिखरों में महान मेरु स्थावर हिमालय हूँ, नगरों में हूँ नारायण और घरों में नंदालय हूँ, सब कुछ हरने वाला मृत्यु अर्जुन मुझको जानी, वसुओं में प्रधान अग्नि वसुओं में प्रधान अग्नि देव मुझको मानिए, सैनिकों में कार्तिकेय पुरोहितों में बृहस्पति, वृक्षों में पीपल हूँ अर्जुन पतियों में कमलापति, उच्च सर्वा में हूँ उच्च सर्वा अश्व हूँ मैं, मंथन से जन्मा जानिए, उच्च सर्वा अश्व हूँ मैं, हाँ उच्च सर्वा
अश्व हूँ मैं घोड़ा उच्च स्त्रवा, अश्व हूँ मैं मंथन से जन्मा जानिए, गंधर्वों में चित्ररथ वेदों में वाद मानिए, वादों में वाद मानिए, यज्ञों में जप यज्ञ हूँ और कपिल देव हूँ, सिद्धों में आयुधों में वज्र हूँ, जटायु हूँ मैं गिद्धों में, जटायु हूँ मैं गिद्धों में, जटायु हूँ मैं गिद्धों में, महर्षियों में भृगु हूँ, ओंकार हूँ मैं वाणी में, पंछियों में गरुड़ मगर मछुओं में प्राणी में, हाथियों में ऐरावत नरों में जा महाराजा हूँ, राम हूँ रघुवंशियों में घटघट में भी राजा हूँ, गायों में हूँ कामधेन सांपों में हूँ वासुकी, वाद्य यंत्रों में पार्थ बंसी हूँ मैं बांसुकी, गायों में हूँ कामधेन सांपों में हूँ वासुकी, वाद्य यंत्रों में हूँ पार्थ बंसी हूँ मैं बांसुकी, जनक्रियाकर्ताओं में कामदेव जानिए, नागों में अनंत नाग अर्जुन मुझको मानिए, जल का अधिपति नाम वरुण है पहचानिए, पितरों में अर्यम्मा हूँ मैं यम नियंता मानिए, असुरों में प्रहलाद हूँ और वंशी मंत्र काल हूँ, वंचारी हूँ सिंह पार्थ गीता का सुरताल हूँ, वंचारी हूँ सिंह पार्थ गीत का सुरताल हूँ, गीत का सुरताल हूँ, शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ अवधपति राम हूँ, पावन करने वाला पवन गोपालों में श्याम हूँ, जल स्रोतों में पावन गंगा ऋतुओं में बसंत हूँ, सामों में हूँ बृहत सांप रुक्मणी का कंत हूँ, विद्याओं में आत्मविद्या तमासों में द्वंद हूँ, ओ अकार हूँ अक्षरों में फूलों में मकरंद हूँ, फूलों का मकरंद हूँ, अक्षय काल में हूँ अर्जुन आत्मा अर्जुन्मा हूँ, धारण करता मैं हूँ अर्जुन सृष्टि करता ब्रह्मा हूँ, अक्षय काल में हूँ अर्जुन आत्मा अर्जुन्मा हूँ, धारण करता मैं हूँ अर्जुन सृष्टि करता ब्रह्मा हूँ, नारियों में धैर्य स्मृति बुद्धि नाम है, क्षमा और कीर्ति के नारियों में धाम है, आकर्षण का केंद्र बना मैं ही नारी अंग हूँ, मीठी बोली बनकर रहता नारियों के संग हूँ, गायत्री का छंद हूँ मैं शब्द हूँ आकाश में, मासों में हूँ मार्गशीर्ष हरियाली हूँ घास में, तेजसी का तेज हूँ मैं छल में जुआ मानिए, तेजसी का तेज हूँ मैं छल में जुआ मानिए, जीतने वालों की जीत अर्जुन मुझको मानिए, साहसी का साहस हूँ और बल हूँ बलवान का, मौनियों में मौन रख वाला हूँ जहान का, मुनियों में हूँ बीज हूँ मैं भूतों का, जीतने वालों की नीति दंड जमके दूतों का, दंड जम के दूतों का, वृषियों में वासुदेव पांडवों में धनंजय, भूत चराचर मुझको जान रण में तेरी हूँ विजय, मेरे एक अंश में ये दुनिया समाई है, सब में मैं समाया प्यारे बात ज्ञान की बताई है, सब में मैं समाया बात ज्ञान की बताई है, मेरे एक अंश में ये दुनिया समाई है, सब में मैं समाया बात ज्ञान की बताई है,
उच्चतम और महान वैभव अंतहीन जानिए, सारा मेरे तेज की चिंगारी मात्र मानिए। उत्तम और महान वैभव अंतहीन जानिए, सारा मेरे तेज की चिंगारी मात्र मानिए। गीता पढ़कर होले धीरे आगे बढ़िए। एक किसी शायर ने कहा है, कुछ पंक्तियां याद आ रही है, कौन है गुलशन, कौन है गुलशन कि जिस गुलशन में रोशन तू नहीं, कौन है वो गुल कि जिस गुल में तेरी खुशबू नहीं, तू ही लैला तू ही शीरी हजरते यूसुफ तू ही, कौन है आशिक जो तेरे इश्क में मजनू नहीं। जब जिलाना मारना भी एक तमाशा है तेरा, क्यों ना फिर बेखौफ हाथों दिल तेरे में दू नहीं। बिंदु कहता है, बिंदु जी की ये लाइन, बिंदु कहता है कि हूं मैं जब जुदा दरिया से, मिल गया दरिया में फिर कहता है मैं कुछ भी नहीं। कौन है गुलशन कि जिस गुलशन में तेरी खुशबू नहीं, कौन है वो गुल कौन है गुलशन कि जिस गुलशन में रोशन तू नहीं, कौन है वो गुल कि जिस गुल में तेरी खुशबू नहीं। जब जलाना मारना भी एक तमाशा है तेरा, क्यों ना फिर बेखौफ हाथों दिल तेरे में तू नहीं। हे प्रभु है शब्द एकमात्र परमात्मा के लिए ही बना है, हम जैसे तुच्छ प्राणियों के लिए नहीं। हम आज दिखाई दे रहे हैं, कल नहीं होंगे, कल नहीं थे, लेकिन वो सदैव परमात्मा सदैव सदैव रहेगा। है शब्द उन्हीं के लिए बनाया है, लेकिन हम भी यूज कर लेते हैं, हम भी हैं। गीता पढ़िए, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी आंख वाले ने उसकी पहचान की। हाँ गीता पढ़िए, गीता पढ़िए, गीता पढ़कर हौले धीरे यो माम पश्यति सर्वत्र, भगवान ने कहा है गीता में, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम चैमि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। गीता पढ़िए, गीता पढ़िए, गीता पढ़कर हौले धीरे आगे बढ़िए। गीता पढ़िए, गीता है गोविंद गीत, गीता पढ़िए तन मन धन पवित्र करती, गीता पढ़िए विद्याओं में राज विद्या, गीता पढ़िए विद्याओं की राज विद्या, गीता पढ़िए गीता मुक्ति दाता भ्राता, गीता पढ़िए गीता पढ़िए गीता पढ़िए, गीता पढ़कर हौले धीरे आगे बढ़िए। गीता पढ़िए, गीता पढ़िए, गीता पढ़कर हौले धीरे आगे बढ़िए। गीता पढ़िए। दसम अध्याय संपूर्ण हुआ, एकादशो सोपान, ग्यारहवां सोपान आपके सामने प्रस्तुत है। ये सबसे महान सोपान है, भगवान ने अर्जुन को इस सोपान के अंदर विशेष रूप दिखलाए हैं। भगवान ने, श्री कृष्ण जी ने विराट स्वरूप दिखलाया है, विष्णु स्वरूप दिखलाया है, फिर सौम्य स्वरूप श्याम सुंदर का रूप दिखलाया है, फिर पार्थसारथी तो बने हुए हैं ही अर्जुन के, चार रूपों के दर्शन अर्जुन ने यहाँ पर किए हैं। इतना महान भाग्यशाली भगवान का भक्त, भगवान के संग में रहने विचरने वाले अंतरंग मित्र
अर्जुन है, ऐसे महान हम सबको हमारे सबके भाग्य में हो तो कितनी बड़ी बात है, ये पृथ्वी वैकुंठ बन जाएगी। अर्जुन बोले, कर कृपा गोपाल परम गुप्त ज्ञान बोला है, कर कृपा गोपाल परम गुप्त ज्ञान बोला है, अद्भुत सी वाणी ने फोड़ा मोह का पपोला है। कर कृपा गोपाल परम गुप्त ज्ञान बोला है, अद्भुत सी वाणी ने फोड़ा मोह का फफोला है, सृष्टि प्रलय ज्ञान पान करके महिमा जानी है, कमल नेत्र आपकी महानता पहचानी है, ज्ञान के प्रकाश से अब अंधकार दूर है, एक बात मन में मोहन पूछना जरूर है, आपसे सुना और जाना आप ही भगवान है, श्यामल सुंदर गात है और पीतांबर परिधान है, दिव्य ऐश्वर्य की एक झलक तो दिखलाइए, पुरुषोत्तम इच्छा है मेरी दिव्यता दिखलाई, दिव्यता दर्शाइए, दिव्य ऐश्वर्य की एक झलक तो दिखलाइए, पुरुषोत्तम इच्छा है मेरी दिव्यता दर्शाइए, यदि दर्शन के काबिल हूँ मैं दर्शन प्रभु दीजिए, अपना अव्यय ऐश्वर्य रूप बतला दीजिए, रूप बतला दीजिए, रूप बतला दीजिए। सांख्य बोलता है, अर्जुन एक आत्मा है, श्री कृष्ण भगवान है, दोनों एक रथ में रहते जैसे जीव प्राण है, अर्जुन एक आत्मा है, श्री कृष्ण भगवान है, दोनों एक रथ में बैठे जैसे जीव प्राण है। भगवान बोले, बोले भगवान दिव्य रूप में दिखलाऊंगा, सैकड़ों हजारों अद्भुत नजारे दर्शाऊंगा, बोले भगवान दिव्य रूप दिखलाऊंगा, सैकड़ों हजारों अद्भुत नजारे दर्शाऊंगा, नजारे दर्शाऊंगा, देखना तू नाना वर्ण नाना रूप नजारों को, ग्यारह रुद्र अष्ट बसु अश्विनी कुमारों को, पहले जो नहीं देखे कभी आज उन्हें देखना, भूत चराचर सारे बड़े आश्चर्य देखना, मेरे इस शरीर में और एक ही स्थान पर सारा विश्व देख अर्जुन देखना तू ध्यान धर, जो भी आगे इच्छा जागे वो भी सारा देखना, मेरे इस शरीर में तू सब संसारा देखना, मेरे इस शरीर में तू सब संसारा देखना, देखने में नेत्र तेरे ये छोटे पड़ जाएंगे, दिव्य नेत्र देता हूँ जो सब कुछ देख पाएंगे, दिव्य नेत्र देता हूँ जो सब कुछ देख पाएंगे। संजय बोले, संजय धृतराष्ट्र को कह रहे हैं, पाकर दिव्य नेत्र अर्जुन हृदय में हर्षाया है, महायोगेश्वर श्री हरि ने रूप दर्शाया है, अनेकों मुख नेत्र है, अनेकों चेहरे धारे हैं, अनेकों दिव्य हाथों में अनेकों अस्त्र सारे हैं, अनेकों दिव्य माल हैं, अनेकों गंध लेपे हैं, अनेकों अलंकार हैं, अनेकों अद्भुत वेश हैं, सारे देवी देवता समूह महाभूतों के, ब्रह्मा वरुण रुद्र हैं समूह विष्णु दूतों के, किसी मुख में ज्वाला किसी मुख में मुस्कान है, सारे आश्चर्य हैं अनंत हैं महान हैं, एक साथ हजारों ही सूरज का प्रकाश है, हजारों ही नजारों में बट गया आकाश है, हजारों हजारों ही ब्रह्मांड पिंड धारे हैं, अचंभे सब अर्जुन देख आश्चर्य सारे हैं, कौतुक दिव्य देख अर्जुन रोम रोम हो गया, स्थिरता का पुंज बना मानो कहीं खो गया, अर्जुन ने प्रणाम करके कहा यूं भगवान से, वाणी में घबराहट भारी हिलाना स्थान से, वाणी में घबराहट भारी
तिलाना स्थान से। अर्जुन बोले, परम देव देह में तुम्हारी दुनिया सारी है, कमलासन पर ब्रह्मा जी कैलाश पर त्रिपुरारी है। परम देव देह में तुम्हारी दुनिया सारी है, कमलासन पर ब्रह्मा जी कैलाश पर त्रिपुरारी है। इंद्र वरुण सारे देव देव ढाणी देखता, दिव्य सर्प सारे सारे राजा रानी देखता, महान संग सारे भूत प्राणियों के देखता, भूत प्रेत गंधर्व किसानियों के देखता, भूत प्रेत गंधर्व किसानियों को देखता। अनंत भुजाधारी है, अनंत नेत्र वक्त्र है, अनंत पेट पाव है, अनंत शीश छत्र है, आदि है ना अंत है ना मध्य का स्थान है, विश्व रूप विश्वेश्वर अपार है महान है, प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश का जहान है, आज मैंने जाना मेरा मित्र ही भगवान है, गदा चक्र पाणी प्रभु मुकुट युक्त आप है, ऋषि मुनि देह में है, आप सबके बाप है, चांद सूरज जैसे नेत्र वीर्य अनंत है, रूप ही भी अंत आदि मध्य है ना अंत है, सारा विश्व तप्त तीनों लोक ही भयभीत है, व्यथित है जहान देवल नारद गाते गीत है, विकराल है जबाड़े और कराल दाढ़ दांत है, दाढ़ों नीचे चकनाचूर वीरों की जमात है, अनेक वीर पिस रहे अनेक चूर चूर है, अनेक पिसने जा रहे अनेक अभी दूर है, ज्वालामुख में दौड़ करती कूद रहे वीर है, भस्म होते देखता हूँ आग में रणवीर है, भस्म होते देखता हूँ आग में रणवीर है, डर रहा हूँ देख रूप भारी भैसम आया है, कांपता हूँ कृष्ण भारी पसीना भी आया है, चार भुजाधारी रूप मुरारी बतलाइए, आपका हूँ देव आप प्रसन्न हो जाइए, शंख चक्र गदा पद चारों हाथ लीजिए, नारायण स्वरूप के भी आज दर्शन दीजिए। संजय बोले, चार भुजाधार रूप अर्जुन को दिखाया है, अर्जुन रूप नारायण का देखकर हर्षाया है, अर्जुन रूप नारायण का देखकर हर्षाया है। तो क्या हुआ, भगवान बोले, पहला दर्शक तू है पार्थ मेरे विश्व रूप का, दिल भर के अब दर्शन कर ले मेरे चतुर्भुज स्वरूप का, पहला दर्शक तू है पार्थ मेरे विश्व रूप का, दिल भर के अब दर्शन कर ले चतुर्भुजा रूप का, बाद में फिर श्याम सुंदर साथी का रूप धर, अर्जुन के ही सामने से नारायण बने नर, सारथी के रूप में भगवान को निहारा है, बार बार नमन करके होश को संवारा है, सारथी के रूप में भगवान को निहारा है, बार बार नमन करके होश को संवारा है। अर्जुन बोले, एक केशव में अपराधी हूँ क्षमादान दीजिए, एक केशव में अपराधी हूँ क्षमादान दीजिए, महिमा को नहीं जानता था प्रभु क्षमा कीजिए, हे माधव अब होश में हूँ रूप सौम्य देख कर, अचल चित्त से है जाना तुम नारायण में हूँ नर। भगवान बोले, देवता सब प्यासे मेरे नारायण स्वरूप के, तुमको मैंने दर्शन दिए तीनों तीनों तीन रूप के, अनन्य भाव भक्त को प्रत्यक्ष दर्शन देता हूँ, अनन्य भाव भक्त को प्रत्यक्ष दर्शन देता हूँ, जानने में आता मेरी शरण में भी लेता हूँ, सारे भूत प्राणियों से प्रेम का व्यवहार कर, दुष्ट संग त्याग दुष्ट संग राग त्याग मेरे सारे कर्म कर, मेरा भक्त बनकर मेरे गीत गुण गाया कर, जो भी तेरे दिल में बात मुझको तू बताया कर। सांख्य स्वामी बोलता है, सांख्य स्वामी बोल रहा है,
गीता पढ़िए गीता पढ़िए गीता पढ़िए गीता पढ़कर हाँ गीता पढ़कर हौले धीरे आगे बढ़िए गीता पढ़कर हौले धीरे आगे बढ़िए। गीता है तो गोविंदी गीता पढ़िए गीता है गोविंदी गीता पढ़िए। तन मन धन पवित्र करती गीता पढ़िए तन मन धन पवित्र करती गीता पढ़िए। विद्याओं की राज विद्या विद्याओं की राज विद्या गीता पढ़िए विद्याओं की राज विद्या गीता पढ़िए। गीता मुक्ति दाता भ्राता गीता पढ़िए गीता मुक्ति दाता भ्राता गीता पढ़िए गीता पढ़िए गीता पढ़िए गीता पढ़कर हौले धीरे आगे बढ़िए। तो गीता पढ़कर हौले धीरे आगे बढ़िए गीता पढ़कर हौले धीरे आगे बढ़िए गीता पढ़िए गीता पढ़िए। इस प्रकार से 11वां अध्याय समाप्त हुआ। 11वां सोपान संपूर्ण किया हिंदी में। अभी द्वादश सोपान 12वां सोपान में प्रवेश कर रहे हैं। अर्जुन बोल रहे हैं भगवान से, फिर भी अर्जुन पूछता है पूछना ही चाहिए फिर भी अर्जुन पूछता है पूछना ही चाहिए। किसके पूजक पूर्ण केशव ये भी तो बताइए। व्यक्त के अव्यक्त के या दोनों के समान है कौन से हैं योगी केशव जग में जो महान है। फिर भी अर्जुन पूछता है पूछना ही चाहिए किसके पूजक पूर्ण केशव ये भी तो बताइए। व्यक्त के अव्यक्त के या दोनों के समान है कौन से हैं योगी केशव जग में जो महान है कौन से हैं योगी केशव जग में जो महान है। भगवान बोले, नित्य युक्त होकर भक्ति भाव से उपासता मनवाणी से सिमरण करता हृदय में धर आस्था परम श्रद्धा भाव से जो योगी मुझको पूछता पूर्ण योगी उसे कहूंगा ये मेरा उत्तम मता। अव्यक्त जो सर्वत्र है अचिंत है अपार है अचल अटल अक्षर ब्रह्म नित्य निर्विकार है मन इंद्रिय को जीत कर जो संदर्शी कहलाते हैं सबके इसमें जीवन जीते वो भी मुझको पाते हैं। अव्यक्त का आसक्त अर्जुन मुश्किलता को ढोता है अव्यक्त का आसक्त मुश्किलता को ढोता है दुख का मार्ग तय करके अव्यक्त प्राप्त होता है। कर्म फल को त्याग मेरी शरण में जो आते हैं ध्यान सेवा मेरी करते अन्य को नहीं जाते हैं उनका मैं उद्धार करता मृत्यु के संसार से शीघ्र अति शीघ्र मुक्त करता हूँ मजदार से शीघ्र अति शीघ्र मुक्त करता हूँ मजदार से। मन बुद्धि को अर्पण करके कर्म मेरे कीजिए मुझ में ही निवास होगा संशय त्याग दीजिए ध्यान में मन स्थिर ना हो तो भक्ति ही कीजिए मुझको प्राप्त करने पर मन अभिलाषा कीजिए भक्ति में असमर्थ है तो कर्म मदर्थम कीजिए कर्म मदर्थम करते करते सिद्धि प्राप्त कीजिए कर्म मदर्थम करने में असमर्थ है तो जानिए कर्मों का फल अर्पण करती तत्व को कर्मों का फल अर्पण करती तत्व को मानिए ज्ञान श्रेष्ठ साधना से साधना गर्थ होती है ज्ञान श्रेष्ठ साधना से साधना गर्थ होती है ज्ञान से भी ध्यान ज्ञान कीरा पन्ना होती है ध्यान से भी श्रेष्ठ ज्ञान कर्म फल का त्याग है त्याग ही तो अर्जुन परम शांति का भाग है सारे भूत प्राणियों में मित्रता का भाव है निर्मम निरहंकार भी हो करुणा का स्वभाव हो सारे भूत प्राणियों में मित्रता का भाव हो निर्मम निरहंकार भी हो करुणा का स्वभाव हो सुख दुख में समान भाव क्षमाशील धारी हो संतोषी निरंतर योगी
दृढ़ निश्चय ब्रह्मचारी हो, मन बुद्धि मुझे अर्पण करके भक्ति मेरी करता है, भक्तों में है प्यारा भक्त मुझको वैसे मरता है, लोगों में ना खिन्न लोगों से ना खिन्न है, ना कोई उससे खिन्न है, खिन्नता वह मुक्त है और सुख में ना भिन्न है, ऐसा प्राणी मुझको प्यारा प्यारा मेरा भक्त है, मेरा भक्त मेरी कृपा पाकर होता मुक्त है, पक्षपात हीन चिंता कृता का अभाव है, सर्वारंभ परित्यागी हृदय भक्ति भाव है, ऐसा प्रिय भक्त मेरा परम धाम पाता है, नाचता उछलता है गीत मेरा गाता है, मान अपमान में सुभाषित परित्यागी है, मेरा प्यारा भक्त भक्त है वह भक्ति दिल में जागी है, शत्रु मित्र एक जान शीत घाम सहता है, तुल्य निंदा स्तुति में अकेला सा रहता है, जब नहीं जमाता कहीं स्तर मती भक्त है, संतोषी और मौनी प्रिय भक्त मेरा व्यक्ति है, मेरे प्यारे भक्तों के सब लक्षण जहां मेरे प्यारे भक्तों के सब लक्षण जहां मिल जाएंगे वह मेरा अप्रिय होगा उसके ढोल बजाएंगे, मेरे प्यारे भक्तों के सब लक्षण जहां मिल जाएंगे वह मेरा अप्रिय होगा उसके ढोल बजाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गीता पढ़िए गीता पढ़कर हौले धीरे आगे बढ़िए, गीता है गोविंद गीत गीता पढ़िए, संबंधन पवित्र करती गीता पढ़िए, विद्याओं में राज विद्या गीता पढ़िए, गीता मुक्ति दाता भ्राता गीता पढ़िए, गीता पढ़िए गीता पढ़िए, गीता है गोविंद गीत गीता पढ़िए, गीता पढ़कर होले धीरे आगे बढ़िए, गीता पढ़कर होले धीरे आगे बढ़िए, गीता पढ़कर होले धीरे आगे बढ़िए। हमने आप लोगों के सामने 12 अध्याय अभी तक सुना चुके हैं, इस सभा में कुछ सुनाए हैं, उस सभा में कुछ सुनाए, अब 13वें अध्याय में यानी त्रयोदश अध्याय में सोपान में प्रवेश कर रहे हैं। 13वें सोपान में अर्जुन बोले, प्रकृति पुरुष का केशव ज्ञान मुझे दीजिए, प्रकृति पुरुष का केशव ज्ञान मुझे दीजिए, किसको ज्ञानम जेयम बोला साफ साफ कीजिए, क्षेत्रज्ञ है कौन कहाँ, क्षेत्रज्ञ है कौन कहाँ है, क्षेत्र अजी बतलाइए, इच्छा जिज्ञासा पूरी कर मन मेरा सुलझाइए। भगवान बोले, अर्जुन तन को क्षेत्र कहा है, क्षेत्रज्ञ जो जानता सर्व क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ में अर्जुन स्वयं को मानता, महाभूत अहंकार मूल प्रकृति जानी, 5 गोचर 11 इंद्रिय क्षेत्र भीतर मानी, सुख दुख इच्छा द्वेष दृष्टि चेतना का पिंड है, कोई कैसा क्षेत्र कोई तन को कोई अंड, तन तो कोई अंड है, सुख दुख इच्छा द्वेष दृष्टि चेतना का पिंड है, कोई कैसा क्षेत्र कोई तन को तन तो कोई अंग है, बुद्धि कोई सारथी तुम जीवन रस में जानी, विकारों से युक्त अर्जुन तन को क्षेत्र मानी, इन 24 ने बताया मिलकर के इन 24 ने बनाया मिलकर के संसार को, अंड पिंड ब्रह्मांड संसार के नरनार को, कैसे हो पहचान ज्ञानवान की सुनाता हूँ, ज्ञान की परिभाषा थोड़ी शब्दों में बताता हूँ। भगवान ने यहाँ पर अर्जुन के प्रश्न का जवाब दिया, अर्जुन ने पूछा कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्र क्या है, ज्ञान क्या है, गेम क्या है, भगवान ने कहा कि महाभूतानेकारो बुद्धिरव्यक्तम एवं चो पंचचेन्द्रिय इंद्रियाणी दश्यकम च पंचचेन्द्रिय गोचरा, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संगातश्चेतना धृति एतद् सविकारम उदाहृतम क्षेत्रम, इस क्षेत्र को विकारों के साथ में भगवान ने अर्जुन को बतलाया है। महाभूत अहंकार मूल प्रकृति जानी, 5 गोचर 11 इंद्र क्षेत्र भी धर्मानी, सुख दुख इच्छा द्वेष धृति चेतना का पिंड है, कोई कहता क्षेत्र कोई तंत्र कोई अंड है, बुद्धि कोई सारथी तुम जीवन रस में जानी, विकारों से युक्त अर्जुन तन को क्षेत्र मानी,
इन चौबीसों ने बनाया मिलकर के संसार को, अंड पिंड ब्रह्मांड संसार के नरनार को। कैसे हो पहचान ज्ञानवान की सुनाता हूँ, ज्ञान की परिभाषा थोड़े शब्दों में बताता हूँ। तो भगवान ने कहा कि आत्मा एक क्षेत्र है जो शरीर, और शरीर क्षेत्र है, ये हमारा क्षेत्र शरीर है। अभी भगवान ज्ञान की परिभाषा दे रहे हैं और फिर ज्ञान की देंगे और फिर ज्ञाता की देंगे। ज्ञानी को ही ज्ञाता कहा है। ज्ञानी है अमानी हृदय सरलशील धारी है, दम्भता पाखंड ताना हिंसा हृदय धारी है, स्थिर बुद्धि वाला क्षमावान है, पवित्र है, शुद्ध भक्ति युक्त है और सभी का मित्र है, आचरण का भक्त इंद्रियों का ना गुलाम है, हेम का अभाव है मन जीत जिसका नाम है, जन्म मरण जरा व्याधि दुख दोषों को देखता, घर घर धारा संतान से आसक्ति दूर फेंकता, प्रिया प्रिय चित्त एक नित्य में आनंद है, एकांत में शांत रहता, भीड़ से स्वच्छंद है, भीड़ में स्वच्छंद है, तत्व ज्ञान दृष्टा है, अध्यात्म ज्ञान जानता, इसको ज्ञान कहता हूँ अज्ञान अन्य मानता, जाना जाए जिसको उसे गेयम कहा जाता है अमृता, जाना जाए जिसको उसे गेयम कहा जाता है, गेयम माने जिसको जाना जाता है, ज्ञान जैसे जानी वस्तु है जिसको जाना जाए उसको गेयम कहा है। ज्ञान ज्ञाता ज्ञान और गेयम तीन शब्द हैं, अलग अलग तीनों के तीन अलग अलग अर्थ हैं। जाना जाए जिसको उसे गेयम कहा जाता है, अमृत का आनंद ब्रह्म जानने से आता है, जड़ चेतन से परे पर परम आत्मा को जानी, जड़ चेतन से परे परम आत्मा को जानी, उसका ये विस्तार सारे विश्व को पहचानी, सभी और उसी ब्रह्म सभी 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 और उसी परम ब्रह्म के ही हाथ हैं, सभी और सिर मुख आंख कान लात हैं, सभी और उसी परम ब्रह्म के ही हाथ हैं, सभी और सिर मुख आंख कान और लात हैं, सर्वत्र समाया योग माया उसका साया है, इंद्रियों से ही परम भोगी कहलाया है, आसक्ति से परे सबका धारण पोषण करता है, बाहर भीतर चराचरों के ब्रह्म ही बाहर भीतर चराचरों के ब्रह्म ही विचरता है, ज्ञानियों से नीड़े है अज्ञानियों से दूर है, जानने में आता नहीं सूक्ष्म अति नूर है, सूक्ष्म अति नूर है, विभक्त सारे प्राणियों में अविभक्त राम है, ब्रह्मा विष्णु शंकर अभिका ही काम है, अविभक्त का ही काम है, अंधेरों से अति परे ज्योतियों की ज्योत है, सबके हृदय साई बैठा वही सबकी मौत है, जानकर कल्याण होता जानना भी चाहिए, गेयम ब्रह्म जानो अर्जुन प्यास को बुझाइए, ज्ञान गेयम ज्ञान गेयम क्षेत्र भी विस्तारा, क्षेत्र भी विस्तारा है, परम भाव वर्ता भक्त भक्ता जब विस्तारा है, ज्ञानम गेयम ज्ञान गेयम क्षेत्र भी विस्तारा है, परम भाव वर्ता भक्त बचता जब एक तारा है, पुरुष और प्रकृति दोनों विषय को अनादि जान, राग द्वेष विकार प्रकृति से जन्मी मां, कर्म कारण कर्म करण करता धरता प्रकृति को कहते हैं, सुख दुख और भोगों के कारण पुरुष प्यारे रहते हैं, सुख दुख और भोगों के कारण पुरुष प्यारे रहते हैं, कर्म करण करता धरता प्रकृति को कहते हैं, सुख दुख और भोगों के कारण पुरुष प्यारे रहते हैं, कर्मों के कर्ता पुरुष प्रकृति का संग करके गुणों को है भोगता, गुणों का कर संग पाता योग्यता अयोग्यता, अच्छी बुरी योनियों में जाकर जन्म लेता है, दुख सुख की दो धाराओं में हंसता कभी रोता है, उपदर्शा परमात्मा है सबके भीतर वास है, पालन पोषण करने वाला महा खास है, सच्ची सलाह देने वाला गुण कर्मों का भोक्ता वही है भगवान अर्जुन, उसी की है भोक्ता, प्रकृति गुण पुरुष तीनों को जो जान जाता है, दूसरा ना जन्म होता मुक्त वह कहलाता है, ज्ञान ज्ञान कर्म भक्ति रास्ते भगवान की, सुन सुन कर जो पूजा करता तरता सिंधु जान की, ये सारे श्रद्धालु सागर लांग पार करते हैं, चीटी हृदय श्रद्धा नहीं भव में गोता खाते हैं, ये सारे श्रद्धालु सागर लांग पार जाते हैं, जिनके हाथ जिनके हृदय श्रद्धा नहीं भव में गोता खाते हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से संसार है, चीटी से ब्रह्मा तक अर्जुन ब्रह्म का पसार है,
एक रूपवान सारे प्राणियों में बिकता है, आत्मान जानता है जान कितने हटता है। एक एक रूपवान वही परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण सभी प्राणियों में वास करते हैं। जो भी हरि जानता है सत्य को है जानता, मरण धर्म विश्व जान राम अमर मानता। न्यारे न्यारे शरीरों में एक ही परमात्मा चंद्रशिका भावधार देखता है मां, देखता महात्मा। परम गति पाता चलता अपने को संभाल कर, साफ सुथरा रास्ता रास्ता कदम धरता देख भाल कर। आत्मा अकर्ता जान देखता गुण धर्म को, प्रकृति को कर्ता मान जान, जाना ज्ञान मर्म को। एक के ही भाव सारे भूतों के भीतर, एक के ही भाव सारे भूतों के भूतों भीतर देखता, एक के ही भाव सारे भूतों भीतर देखता। एक का विस्तार सारा विश्व के समीपता, तभी प्राणी प्राप्त करता ब्रह्म के स्वरूप को। एक के ही रूप समझे प्राणी रक्त भूत को, निर्गुण अज्ञे अविनाशी का अनादि स्वभाव है। हर प्राणी में रहता मगर चेता नहीं नाव है। आत्मा अकर्ता न सक्त फल में जानिए, मन होता आसक्त मन की मूर्ता पहचानिए। अलिप्त अनासक्त है आकाश जो सर्वत्र है, आत्मा शरीरों में अलिप्त है सुभद्र है, आत्मा शरीरों में अलिप्त है सुभद्र है। रवि की किरणों से सारे विश्व में उजाला है, आत्मा उजाला करती वरना तन तो काला है। ज्ञान चक्षु प्राप्त करती स्वयं को भी जानता, वही चित्र क्षेत्रज्ञ के मर्म को है जानता, वही चित्र क्षेत्रज्ञ के मर्म को पहचानता। प्राकृतिक 24 तत्व आत्म तत्व न्यारा है, मोक्ष की है कामना परमात्मा पुकारा है। ऐसा प्रज्ञावान भक्त भगवत धाम जाता है, परमानंद लूटता है वापस नहीं आता है। गीता पढ़िए, गीता पढ़िए, गीता पढ़कर, हाँ हाँ गीता पढ़िए, गीता पढ़िए, गीता पढ़कर हौले धीरे आगे बढ़िए। गीता है गोविंद गीता पढ़िए, गीता है गोविंद गीत गीता पढ़िए। तन्मंदन पवित्र करती गीता पढ़िए, तन्मंदन पवित्र करती गीता पढ़िए। विद्याओं की राज विद्या गीता पढ़िए, विद्याओं की राज विद्या गीता पढ़िए। गीता मुक्ति दाता भ्राता गीता पढ़िए, गीता पढ़िए, गीता पढ़िए, गीता पढ़कर हौले धीरे आगे बढ़िए। सो रहे हो, गीता पढ़कर, हाँ हाँ गीता पढ़कर हौले धीरे आगे बढ़िए। गीता पढ़िए, जाग जाओ गीता पढ़िए, गीता पढ़िए, गीता पढ़कर हौले धीरे आगे बढ़िए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। ये महामंत्र की शरण में जो जीव आता है वो गीता के सारे मर्म को पहचान जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण परमपिता परमेश्वर हैं और उनके नाम उच्चारण करने से बार बार हमारे हृदय में उनका प्रेम समा जाता है, हम उनके प्रेमी बन जाते हैं और एक दिन हमारी कन्हैया पार लगा देते हैं, अपने धाम में बुला लेते हैं। ये परम लाभ जीवन का हमें मिलता है, इसलिए हरे कृष्णा महामंत्र को जितना स्मरण कर सको, जप कर सको, कीर्तन कर सको, उच्चारण कर सको, कीजिए रात दिन, सोते जागते उठते बैठते, खाते पीते नहाते धोते, व्हेनेवर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उजाले में से गुजरोगे तो अवश्य भगवान की प्राप्ति होगी, अंधेरों में भटकोगे तो कैसे भगवान की प्राप्ति होगी।
अंधेरे से जो उजाले में लाते हैं उन्हें हम गुरु कहते हैं। गु यानी अंधेरा और रू मीन्स उजाला। तो कोई गुरु की शरण में जरूर जाना चाहिए, किसी भगवान की शुद्ध भक्त के चरणों में जाकर के प्रणाम करनी चाहिए, माथा टेकना चाहिए और उनके डायरेक्शन से अपने जीवन को जीना चाहिए, तो आपको परम लाभ मिलता है, भगवान की प्राप्ति होती है, भगवत धाम मिलता है, परमानंद की प्राप्ति होती है। कभी ना भूलिए इस बात को। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से हमने गीता की एक और अध्याय को पूरा किया जिसका नाम है 13वां सोपान, त्रयोदश अध्याय। 14वां सोपान में हम प्रवेश करते हैं और आप सभी को इसका आनंद देते हैं। आप कृष्ण मंत्र को स्मरण कीजिए, कृष्ण मंत्र से ही भगवद गीता को समझा जा सकता है और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। और इसके बाद आपको सभी प्रकार से भगवान की धाम की प्राप्ति होने के चांसेस हैं और पूरी तरह से, और सुख समृद्धि और आनंद तो यहीं से प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता है। भगवान के भक्त जब बुढ़ापे की ओर जाते हैं तो उनका मुख कमल की तरह खिलता है, मुरझाता नहीं, वो रोते नहीं, हंसते हैं, खिलते हैं, खिलखिलाते हैं, व्यर्थ में नहीं, भगवान के साथ में सच्चे हृदय से उनका कमल फूल खिला हुआ होता है। और उनके मृतक शरीर को भी देखने को जाए तो कमल फूल की तरह खिलते हुए अपने शरीर को त्याग के और भगवत धाम को चले जाते हैं। तो आइए 14वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। 14वें सोपान का पान करते हुए भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का हम पान करेंगे। भगवान बोलते हैं, फिर भी एक दिव्य ज्ञान, ज्ञानों का जो राजा है, आज मैं बतलाऊंगा जो सिद्धि का दरवाजा है। फिर भी एक दिव्य ज्ञान, ज्ञानों का जो राजा है, आज मैं बतलाऊंगा जो सिद्धि का दरवाजा है। जितनों ने भी जाना इसे दिव्य सिद्धि पाई है, कर ले तू स्नान, अर्जुन गंगा चल कर आई है, इसकी जो शरण में आता मेरा भाव पाता है, इसकी जो शरण में आता मेरा भाव पाता है, ना ही जन्म दूसरा ना मृत्यु से घबराता है, विशाल ब्रह्मयोनि मेरी मैं ही गर्भ दाता हूँ, जितने जीव जन्मते हैं उनका मैं विधाता हूँ, पिता हूँ जहान का मैं ब्रह्म, पिता हूँ जहान का मैं ब्रह्म बृहद माता माता है, पिता हूँ जहान का मैं ब्रह्म बृहद माता है, मेरी है संतान सारी ब्रह्म जन्मदाता है। ब्रह्म यानी मूल प्रकृति भगवान की जन्मदाता है हम सबकी। भगवान की जो स्पिरिचुअल नेचर है उससे हमारा जन्म होता है और जन्मदाता भगवान स्वयं है जो बीज पिता है। पिता हूँ जहान का मैं ब्रह्म बृहद माता है, मेरी है संतान सारी ब्रह्म जन्मदाता है। 17 स्तंभ जो 3 गुण है प्रकृति के जाए हैं, अद्य आत्मा पर ये ही 3 गुण तो छाए हैं, अद्य आत्मा पर ये ही 3 गुण तो छाए हैं, सत्वगुण प्रकाशवान शुद्ध निर्मल जानिए, ज्ञान सुख से बांधता है बंधनकारी मानिए, तृष्णा रज की सगी बहन है, रागी इसकी भाई है, राग इसका भाई है, तृष्णा रज की सगी बहन है, राग इसका भाई है, इनके ही संग जीता मरता ऐसी ख्याति पाई है, कर्म फलों के बंधन से रजबांधता संसार में, दुख चिंता पल्लू में आते रजगुण जी के प्यार में, अरे तम जन्मे अज्ञानता में ब्रह्म में सबको डालता, पागलपन आलस्य भरता निद्रा में है पालता, सद्गुण सुख का भंडारी है, रजकर्मों का ढेर है, ज्ञान उजाला करता काला तम दीवाना शेर है, ज्ञान उजाला करता काला तम दीवाना शेर है, सत रज तम को नीचे करके ऊंचे पद में झूमता, कभी रज ऊपर दोनों के चढ़ मदमस्ती में घूमता, तम पूर्ण जब ऊपर होता सत रज होते नीचे, सारा ये जहान जीता दोनों आंखें नीचे।
हटड़ी के 10 दरवाजों पर ज्ञान का प्रकाश है, चेतना की छिड़िया चेके सद्गुण का निवास है। लोभ के जब ढोल बजते रजगुण जन्म लेता है, जग भोगों की भूख जागी मन बेकाबू होता है। तम का जब झंडा लहराता पागलपन छा जाता है, अंधेरा आलस्य नींद भ्रम भारी सताता है। आसक्ति की तख्ती दिल पर तम का बोल बाला है। सतरज नीची मुंडी करते तमने डेरा डाला है। सत्रुगुण का बोल बाला मौत लेने आई है। अर्जुन ऐसा मानो जीव उत्तम गति पाई है। स्वर्ग लोग जाएगा या जाए सत्यलोक में, या फिर प्राणी जाकर पनपे साध्वी की कोख में। रजोगुण का पैरा तन में प्राणी देह त्यागता, कर्मों में आसक्त प्राणियों में जन्म जागता। तम्रदी तम त्यागे प्राणी मूड योनि पाएगा, तम के स्थान तमूरे ले फल कड़वा ही खाएगा। सतगुण बीज बोता खिलते निर्मल प्यारे फूल है, तम का फल अज्ञान रस के मार्ग में त्रिशूल है। सत्व ज्ञान जन्म दाता लोभ रज जन्माता है, मूर्खता ज्ञान भ्रम की तमोगुण ही माता है। सत्व ज्ञान जन्मदाता लोभ रज जन्माता है, मूर्खता अज्ञान भ्रम की तमोगुणी माता है। उत्तम गति सत्व की है, रज की मध्यम जानी संगति अधोमुखी है। अर्जुन सत्य मानिए दृष्टा बनकर देख, अर्जुन गुण ही कर्म करता है। तीनों गुण से ऊपर सारे मेरे भाव धरता है, गुणों से अतीत प्राणी तीनों देह त्यागता, जन्म मृत्यु जरा मुख अमृत जग में जागता। गुणों से अतीत प्राणी तीनों देह त्यागता। तीनों देह कौन सी? स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है। गुणों से अतीत प्राणी, ये तो परमहंस की अवस्था है। गुणों से अतीत प्राणी तीनों देह त्यागता, जन्म मृत्यु जरा मुक्त अमृत जग में जागता। अर्जुन बोले, तीन गुणों के पार जाऊं ऐसा मार्ग दीजिए, तीन गुणों से मुक्त तो उनका मुखड़ा भी कह दीजिए। अर्जुन कहता है कि मैं भी तीनों गुणों से पार जाना चाहता हूं, मैं इस संसार में बार बार जन्म लेके क्या करूं। तीन गुणों के पार जाऊं ऐसा मार्ग दीजिए, तीन गुणों से मुक्त उनका मुखड़ा भी कह दीजिए। और उन व्यक्तियों के, उन महात्माओं के विषय में भी कहिए जो तीनों गुणों से मुक्त हो चुके हैं। भगवान बोले, श्री कृष्ण भगवान बोले, बड़ी मधुर मुस्कान से उत्तर देता हूं अर्जुन, तुम सुनो प्रेम और ध्यान से। गुणातीत ज्ञानी भक्त सर्वारंभ जागता, तुल्य निंदा स्तुति प्रत्येक क्षण है जाग। ज्ञान का प्रकाश हो या कर्मों में प्रवृत्त हो, इच्छा द्वेष कैसा चाहे मोहधारी चित्त हो। दुख सुख में समान भाव, स्वस्थ बाहर भीतर से, प्रिय अप्रिय में तुल्य एक अरिमित्र से। समझ गए क्या? अरि यानी दुश्मन और मित्र में एक भाव रखना। फिर से लेता हूं ऊपर से। श्री कृष्ण भगवान बोले, बड़ी मधुर मुस्कान से उत्तर देता हूँ अर्जुन, तुम सुनो प्रेम और ध्यान से। गुणातीत ज्ञानी भक्त सर्वारंभ जागता, तुल्य निंदा स्तुति प्रत्येक क्षण है जागता। ज्ञान का प्रकाश हो या कर्मों में प्रवृत्त हो, इच्छा द्वेष कैसा चाहे मोहधारी चित्त हो। दुख सुख में समान भाव, स्वस्थ बाहर भीतर से, प्रिय अप्रिय में तुल एक अरि मित्र से। गुणों से ना विचलित होता धीरता की खान है, मान का ना भूखा है अपमान पर ना ध्यान है। मिट्टी पत्थर सोना को समान भाव देता है, इन गुणों का छप्परदान गुणातीत रहता है। गुणातीत के गुण बताएं, लक्षण बताएं। एकमात्र शुद्ध भक्ति जो भी मेरी करता है, वह भी गुणातीत होकर ब्रह्म में विचरता है। ब्राह्मण या ब्रह्म ज्योति कहकर जो पुकारा है, उसका भी आधार में हूं, वो भी मेरा द्वारा है। ब्राह्मण या ब्रह्म ज्योति कहकर जो पुकारा है, उनका भी आधार में हूं, वो भी मेरा द्वारा है। धर्म का स्वरूप है वो अविनाशी जहान है, एक अव्यय आनंद खदान है, महान है।
गीता पढ़िए गीता पढ़कर हौले धीरे आगे बढ़ी। गीता है गोविंद की गीता पढ़ी, तन मन धन पवित्र करती गीता पढ़ी। विद्याओं में राज विद्या गीता पढ़िए, गीता मुक्ति दाता भ्राता गीता पढ़िए। गीता पढ़िए गीता पढ़िए गीता पढ़िए गीता पढ़िए। गीता पढ़कर हौले धीरे आगे बढ़िए, गीता पढ़कर हौले धीरे आगे बढ़िए। गीता मुक्ति दाता भ्राता गीता पढ़िए, गीता मुक्ति दाता माता गीता पढ़िए। गीता मुक्ति दाता बाबा गीता पढ़िए, तन मन धन पवित्र करती गीता पढ़िए। गीता पढ़िए रे प्यारे गीता पढ़िए, गीता है गोविंद गीता पढ़िए। 15वां अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, 14वां अध्याय संपूर्ण किया आप लोगों के समक्ष। भगवान बोले, अर्जुन ये संसार मानव वर्ग का एक वृक्ष है। अर्जुन ये संसार मानो बरगद का एक वृक्ष है। अर्जुन ये संसार मानो बरगद का एक वृक्ष है, जड़ ऊपर और शाखा नीचे भोगों का यह कक्ष है। जड़ ऊपर और शाखा नीचे भोगों का यह कक्ष है। पत्ते इसके वेद गायन पंडितों ने जाना है। तीन गुण है मोटी शाखा जीवों का घराना है। प्रकृति के तीन गुण ही पानी इसमें सींचते, सारे जीव जंतु आंखें खोलते और नीचते। सारे जीव जंतु आंखें खोलते और नीचते। इंद्रियों का जाल जंजाल जटा जानिए, कर्मों के हैं खेल खेलता है विश्व मानिए। आसमान आसमान में जड़ जानी है, फल फूलों से लदा पड़ा। तीन गुणों की रस्सियों से विश्व सारा बंधा पड़ा। वृक्ष है अनंत असली वृक्ष की ये छाया है। असली रूप वृक्ष का कोई बिड़ला देख पाया है। आदि अंत हीन वृक्ष बड़ा ही बेअंत है, कोई नहीं जान पाया कहाँ मूल महंत है। स्वप्न से इस वृक्ष को तू ज्ञान की तलवार से जड़ से काट डाल प्यारे अर्जुन, अरे जड़ से काट डाल अर्जुन योग बुद्धि धार से। मान मोह त्याग जीत कामना को रंग को, मान मोह त्याग जीत कामना को रंग को। आत्मज्ञान जान दूर त्याग बुरे संग को, आत्मज्ञान जान।